एक एक्टर करेक्टर बनने के लिए कैसे अप्रोच करे? महाभारत पढ़े, गीता पढ़े। क्यों सर? थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। नहीं, लिटरली महाभारत और गीता ना पढ़े, इससे मेरा मतलब ये है कि आप किसी किरदार के बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छा है। क्या होता है कि हमको कभी कभी स्क्रिप्ट दी जाती है, हमको अक्सर स्क्रिप्ट दी जाती है। हाँ जी। और स्क्रिप्ट दी गई, चाहे वो एक पैराग्राफ की स्क्रिप्ट है चाहे वो पूरी स्क्रिप्ट है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड की होती है वो स्क्रिप्ट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक पैराग्राफ है तो हमको ऐसा लगेगा उस पैराग्राफ को पढ़ने में कि ये जो लाइंस बोली जा रही हैं ये शायद एक घंटे के भीतर बोली जा रही हैं, इसका जो टाइम स्पैन है वो एक घंटे का है, ठीक है। और अगर हमको एक पूरी स्क्रिप्ट दी गई है तो हमको लगेगा कि ठीक है ये स्क्रिप्ट शायद 10 साल के अंदर खत्म हो गई है, तो हमको जो किरदार की जानकारी है वो 10 साल के अंदर की किरदार की जानकारी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सच में किसी भी किरदार को सच्चाई से निभाना है तो हमको उस टाइम स्पेंड के बाहर जाना पड़ेगा, हम वक्त से पीछे भी जाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, जैसे हमको एक पैराग्राफ दिया गया, एक एक्टर को एक पैराग्राफ दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑडिशन में गए, ऑडिशन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया, ठीक है। अब आपने कहा कि ये जैसे पैराग्राफ मिला वो किरदार तो है, वो एक करेक्टर है, ठीक है, वो एक किरदार है जो आपने एज एन एक्टर निभाना है, तो उसके पीछे जाओ कि भाई ये जो टाइम स्पैन है, ये जो एक घंटा है, इसमें जो इसने ये बोला है, कुछ भी बोला है एक्स वाई सी, ये किसने बोला है, इस किरदार का नाम क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा नाम आएगा, ठीक है। इस किरदार अगर ये बोल रहा है तो इसकी उम्र क्या है, ये किस सिचुएशन में बोल रहा है, ये तो बहुत मोटे मोटे सवाल है, ठीक। फिर आप और पीछे जाओ कि इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई होगी, ये किस बैकग्राउंड से आया है, इसके माँ बाप कौन है, माँ बाप है तो किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, माँ है तो माँ पढ़ी लिखी माँ है या होममेकर माँ है या माँ एक जॉब करने वाली माँ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी महाभारत हमको क्रिएट करनी चाहिए एक किरदार, चाहे वो को करने के लिए, एक एक्टर को निभाने के लिए, चाहे उस महाभारत का छोटा सा ही पीस आपको कितना दिया जाए, तब आप उसको, मुझे ऐसा लगता है कि तब आप उसको सच्चाई से पोर्ट्रे कर पाओगे, जब आपको इतनी जानकारी मिलेगी किसी भी चीज़ के लिए। तो ऑब्वियसली वो छोटा सा पैराग्राफ या वो छोटी सी स्क्रिप्ट आसान हो जाएगा करना। नहीं, पर इसमें एक सवाल है सर जी कि वो जो भी हमने सवाल सोचे, मतलब सोचने में तो नाम जैसे सोच रहे हैं किसी का कि मेरी माँ होम मेकर है या वर्किंग वूमन है, तो वो तो, पर वो क्या जो मुझे परफॉर्म करना है टेक्स्ट उसके लिए रेलिवेंट भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, सवाल जो मैं पूछ रहा हूं। मैं ये कहूंगी कि ये डिपेंड करता है कि आप सिर्फ फॉर एग्जांपल एक ऑडिशन के लिए गए हैं, एक सिनेमा ऑडिशन के लिए गए हैं, तब तो कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो डायरेक्टर है जो आपका ऑडिशन ले रहे हैं उनको मालूम है कि आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता है और आपने उसको अपने हिसाब से डिजाइन किया है उस कैरेक्टर को, लेकिन आप उस जो जो लाइंस हैं आप उनको इतने कन्विक्शन के साथ कर पाएंगे ये वो देख लेगा कि ये एक्टर अपना काम जानता है, वो ये पहचान लेगा। तो वो एक्टर का काम वही है कि वो अपनी सच्चाई पेश करे। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो, हमको ये नहीं सोचना है कि इसकी ये जो डायरेक्टर है ये क्या चाहता है या क्या डिमांड है उनकी, वो ये नहीं देख रहे, वो एज एन एक्टर आपको देख रहे हैं कि आप किसी कैरेक्टर को अप्रोच कैसे करते हैं, वो सही है या गलत है इट डजंट मैटर, बट हाउ कन्विक्शन के साथ आप उसको करते हैं ये मैटर करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होगी एक आइडियल कास्टिंग डायरेक्टर की, उसके ऐसा होना चाहिए उसे, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ वो बताते हैं कि आपको ऐसे ही करना है, तो वेरी गुड। अगर वो बता देते हैं आपको बैकग्राउंड तो आप आराम से आप रीच कर लेंगे। कई मतलब ऐसा भी तो होता होगा ना कि पॉसिबिलिटी तो होती होगी, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने सीन दिया किसी को करने के लिए कि अभी करो और उसको बताया कि करना क्या है और एक्टर ने कुछ अपने हिसाब से ही कर दिया, मतलब उसको जैसे कि उन्होंने लाइन दी किसी की, तो ये समझ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आया, आप डायरेक्शन ले नहीं पाते। हां, अच्छा।
क्योंकि अपने हिसाब से क्यों करोगे तुम, बेसिकली एक्टर अपने हिसाब से क्यों करेगा? अगर आपको डायरेक्शन दिया जा चुका है, आपको एक किरदार का आउटलाइनिंग दी जा चुकी है, ठीक है, अगर आपको बता दिया गया कि भाई ये किरदार जो है ये 50 साल का है, रिक्शा चलाता है, तो आपको पता है कि भैया ये 50 साल का है, रिक्शा चलाता है, तो आप उसको मतलब एक आउटलाइन दे दिए ना। अब आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि ये 50 साल का है, रिक्शा चलाता है, और चलो हम इसको 70 साल का बना देते हैं, चलो हम इसको 80 साल का बना देते हैं, चलो हम इसको और मैच्योर दिखा देते हैं, वो क्यों करो फिर? तो आप यानी कि आप डायरेक्शंस नहीं ले रहे ना। अच्छा, मतलब इसमें एक बात फिर ये भी आती है सर, जैसे कि चलो रिक्शा वाले की इधर हमने बात ली है, तो अगर एक्चुअली में जो रिक्शा वाला होगा, जो असली में रिक्शा चलाता होगा, 50 साल का आदमी होगा, और एक दिन बहुत सारे होंगे जो चलाते होंगे ऐसे रिक्शा, तो जरूरी भी नहीं है कि हर एक आदमी हमें इंटरेस्टिंग ही लगे। हाँ बिल्कुल, वो आपका काम। तो अब कुछ जैसे ये तो होता है, फॉर एग्जांपल कि 50 साल का रिक्शा चला रहा है, उसको चश्मे पहनने का शौक है, वो काला चश्मा पहनता है, बिल्कुल पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकता। तो अब ये हो गया, जैसे एक्टर सोच रहा है कि मेरा तो किरदार है रिक्शा वाला, तो मैं ऐसे चलाऊंगा रिक्शा इसको पहन के। अब डायरेक्टर इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि उसको गरीब दिखाना है। नहीं, उसने तो देखना ही नहीं ना, उसने अजीम तो देखना ही नहीं है, उसने ये देखना है, मैं यही तो कहा कि उसने ये देखना है कि आप अपनी सच्चाई को कितनी सच्चाई से दिखा पाते हो, क्योंकि जब तक आप अपनी सच्चाई को सच्चाई से नहीं दिखा पाओगे, तब तक आप डायरेक्टर जब आपको लेगा तो आप उसकी सच्चाई को सच्चाई से कैसे दिखा पाओगे, है ना? तो ये चीज 0 से 10 तक पहुंचना जरूरी है, बिल्कुल, बहुत जरूरी। उसका बचपन से लेके किस माहौल में वो जिया है, कैसे बढ़े, पढ़ाई वगैरह सब सब कुछ जानना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बात और लोगों के परसेप्शन हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमको शायद उसका डीपनेस जानना आवश्यक है। जानना तो गलत शब्दों में जानने का मतलब यह है कि बनाना या उस पे विश्वास करना, है ना? जानना तो बायोग्राफी हो गई, हाँ, वो अलग चीज, बनाना तो अपना बेसिकली विश्वास करना। हाँ जी, पर अच्छा सर, मैं दो टाइम पीरियड को कंपेयर करूँगा, जैसे 50s के टाइम पे जो इतना इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास किसी भी चीज़ को लेकर, तो जैसे मतलब दीदार का एक वो याद करता हूँ कि दिलीप कुमार जो थे, उनको एक ब्लाइंड डायरेक्टर करना था, तो ऐसा मतलब कहानी सुनते हैं हम लोग कि वो जब जाते थे अपनी शूटिंग के लिए, तो एक आदमी भीख मांगता था जो अंदर था, उसको उन्होंने देखा, समझा उसको, उसके बाद उसको अपने डायरेक्टर में उतारा और कर दिया। पर आज के ज़माने में चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि तुम्हें एक अंधे का रोल प्ले करना है, तो पहली बात है इतनी लेगेसी है हमारे पास। अब मैं तुम्हें इंटरप्ट करूँगी इसमें कि 50s और 70s की बात नहीं है, एक अंधे का कैरेक्टर अगर आपको करना है, आप अपने आँखों पर पट्टी बांध दीजिए और देख लीजिए आप कैसा फील करते हैं इसके लिए। ठीक है, किसी और को ठीक है ऑब्जर्व करना अच्छी बात है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हम खुद से भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो वो भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। इसे मेथड एक्टिंग से बोला जा सकता है कि मेथड एक्टिंग का पार्ट है। नहीं यार देखो, आप ना किसी चीज़ को नाम मत दो। हाँ जी ठीक है, मेथड एक्टिंग डोंट गिव इट अ नेम। बेसिकली हर एक एक्टर का अपना तरीका है, ठीक है, बस बॉटम लाइन एक ही है कि यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अपनी बात पे विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो वो सच्चाई से करो, बस। तो आप अपने आप किरदार में सीखना चाहिए।